कानपुर भोकाल और कंटाप तक ही सीमित नहीं है, यहाँ पर बकैत और खलीफा भी मिलते हैं। भारत में जुगाड़ू लोगों की कमी नहीं है, पूरा देश जुगाड़ू लोगों से भरा पड़ा है। वैसे उत्तर प्रदेश आबादी के मामले में हमेशा से अव्वल दर्जे पर आया, कभी फेल ही नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पर आपको हर तरीके का, हर प्रजाति का, हर किस्म का इंसान मिलेगा। आज हम आपको कानपुर का एक अनोखा मामला बताएंगे, जिसे सुनकर आपके मुंह से निकलेगा कि ये तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही हो सकता है। नमस्कार, मैं हूँ हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं न्यूज एनसीआर। दरअसल हाल ही में उमेंद्र सोनी को उनकी 2 साल पहले चोरी हुई गाड़ी वैगनार के बारे में खबर मिली। अब आप इसमें सोचेंगे कि अनोखा क्या है। हम आपको बता दें कि चोरी की हुई गाड़ी को उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी चला रहे थे। जी हाँ, अब उनसे वो गाड़ी बरामद कर ली गई है। कार के मालिक उमेंद्र सोनी ने बताया, 31 दिसंबर 2018 को उमेंद्र की गाड़ी एक धुलाई सेंटर से चोरी हो गई थी। बर्रा थाने में केस दर्ज कराया गया था, पर कोई सुराग हाथ नहीं लगा। 2 साल पहले जो वैगनार कार बर्रा से चोरी हुई थी, उसे बिठूर एसओ समेत अन्य पुलिसकर्मी चला रहे थे। 15 दिन पहले कार को सर्विस के लिए सेंटर पर डाला गया, जिसके बाद सर्विस सेंटर से कार मालिक के पास फीडबैक लेने के लिए कॉल की गई। तब पुलिस की इस करतूत का खुलासा हुआ। यह सुनकर उमेंद्र हक्के बक्के रह गए और तुरंत सर्विस सेंटर पहुंच गए और पता चला कि 15 दिसंबर 2020 को बिठूर एसओ ने कार सर्विस कराने के लिए सेंटर पर भेजा था और 22 तारीख को पुलिस ऑफिसर को हैंडओवर कर दी गई थी। अंत कार नंबर व चेसिस नंबर के आधार पर उमेंद्र को सर्विस सेंटर से कॉल किया गया था। बिठूर के एसएचओ कौशलेंद्र प्रताप का कहना है कि उन्हें कार लावारिस हालत में मिली थी, जिसे उन्होंने जब्त कर लिया। अब विचाराधीन बात यह है कि जिस गाड़ी को लावारिस हालत में बरामद किया गया, उसे यूज क्यों किया गया, जबकि वो सीज हो चुकी थी। बहरहाल अब इस मुद्दे पर केस और कार्यवाही चल रही है। अब देखते हैं निष्कर्ष कब और कैसे निकलता है। हम फिर मिलेंगे किसी रोचक किस्से के साथ। तब तक हर्षवर्धन को दे इजाजत और देखते रहें न्यूज़।